नमस्कार, INN24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रेखा श्रीवास। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब के तरनतारन में हुई बैंक डकैती का मामला सुलझा, डकैतों का सरगना चढ़ा पुलिस के हत्थे, नकदी समेत बाइक बरामद। बिहार में नहीं थम रहा हत्या का सिलसिला, औरंगाबाद में युवक की हत्या कर लाश नहर में फेंकी, पुलिस हथियारों की तलाश में जुटी। और कांग्रेस के स्थापना दिवस में चल रहा कार्यक्रमों का दौर, झारखंड के लोहरदगा में इंटक ने किया शक्ति प्रदर्शन, निकाली शहर भर में रैली। झारखंड के गुमला में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिले के विकास भवन के सभागार में उपायुक्त श्रवण साय की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राजकीय उच्च पथ पर हो रहे दुर्घटना को रोकने के लिए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के बीच चर्चा की गई। साथ ही जिले के मुखिया ने बढ़ती सड़क दुर्घटना में घायल व मृतक की संख्या में बढ़ोतरी से गहरी चिंता जताई है और सड़क सुरक्षा के उपायों को जिले के मुखिया ने नाकाफी बताया। वहीं सुरक्षा संबंधित विभाग के अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि लापरवाही के कारण लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत लोहरदगा में पूर्व राज्यसभा सांसद श्री धीरज साहू के नेतृत्व में इंटक कांग्रेस ने शहर में रैली निकालकर व नगर भवन में कार्यक्रम कर स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि सरकार के द्वारा मजदूरों का हक छीना जा रहा है, इस रैली के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं। इंटक मजदूरों का जो हक है उसे मिलना चाहिए, मजदूरों के हक के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आने वाले दिनों में सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। इस रैली में झारखंड के सभी जिले से मजदूर व ट्रक ऑनर एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। इंटेक यूनियन मजदूर के हक में चुनाव, मजदूर के हक में हर लड़ाई लड़ रही है और उनका हक दिलवा कर रहेगी, चाहे वो मैनेजमेंट का मामला हो या सरकार का मामला हो, हर तरफ तैयार है और मजदूर का हक लड़ाई तैयार है। बिहार के बेतिया मझौलिया में कुशल युवा कार्यक्रम के तहत गुरुवार के दिन मझौलिया में BDO जितेंद्र राम, प्रमुख प्रतिनिधि सुरेंद्र साह ने दीप प्रज्वलित कर सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर BDO ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे 7 निश्चय द्वारा बिहार विकास कौशल मिशन द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम के तहत छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। आज के युग में कंप्यूटर की शिक्षा सर्वोपरि है। स्किल डेवलपमेंट के तहत पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक कई जगहों पर यह संचालित हो रहा है, जिससे छात्रों के दिन बहुरने लगे हैं। झारखंड के कोडरमा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले के ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक दिन हो रहे चोरी व डकैती की घटना को देखते हुए ग्राम रक्षा दल के गठन को लेकर एक बैठक चंदवारा थाना प्रभारी विनोद कुमार की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मुख्य रूप से DSP कर्मपाल उराव, प्रमुख लीलावती देवी मौजूद थे। मौके पर DSP ने कहा कि प्रत्येक गाँव में 15 सदस्यीय रक्षा दल का गठन हो, जो हर समय पुलिस के संपर्क में रहेगा। वह कोई अनजान व्यक्ति गांव में घूम रहा हो तो इसकी सूचना तुरंत थाना प्रभारी को दें। रक्षा दल के सदस्य को सुरक्षा के लहजे से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पंजाब का ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में चले 3 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन भी सिख पंथ के शहीद बाबा फतेह सिंह व माता गुजरी को श्रद्धा अर्पित करने के लिए संगतों का उत्साह देखने लायक था। शाम को नगर कीर्तन की संपन्नता के बाद भी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होने के लिए संगत को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। इस समय बाबा बहुलवलीन सिंह व उनके जत्थे ने रसभिन्ना कीर्तन कर संगतों को निहाल किया। इस अवसर पर बाबा बहुलवलीन सिंह ने साहिब जादों के बलिदान व दुनिया की सबसे महंगी जमीन गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप के बारे में विस्तार से बताया। धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, अज एंड माता गुजर कौर जी, अज उन्हां दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित होए हैं अज, और अज दीआं संगतां देख के बड़ा वधिया लग रहा है कि उन्हां नूं समर्पित होने वास्ते अज कितनी संगत इत्थे पहुंची है। सो आपां नूं सारिआं नूं रल मिल के उन्हां दे शहीदी दिहाड़े मनाने चाहिए ने, उन्हां दे जन्म दिहाड़े भी मनाने चाहिए ने, ताकि सारिआं नूं पता लगे, आने वाली जनरेशन नूं पता लगे कि इस भी साढ़े बाबा जी से जिन्हां ने सिर्फ रोम कटाण वास्ते अपने गले कटा दिते, रोम नहीं कटाए अपने गले कटवा दिते। उन्हां नूं हमेशा याद रखना, उन्हां नूं समर्पित होना ये अपना फर्ज है। आइए आगे बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। आप सुन रहे हैं
बिहार के औरंगाबाद में नहर किनारे हत्या कर फेंके गए एक युवक के शव की बरामदगी से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने उसका शव दाऊदनगर थाना क्षेत्र के शमशेर नगर के पास से बरामद किया है। युवक की पहचान शमशेर नगर निवासी अमरनाथ ठाकुर के रूप में की गई है, जिसकी हत्या धारदार हथियार से प्रहार कर की गई है। परिजनों ने बताया कि बुधवार को सुबह सरस्वती पूजा का चंदा मांगने के लिए वह अपने घर से निकला था, मगर देर रात जब तक वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आज तड़के ग्रामीणों ने शव नहर पुल के पास देखा और फिर परिवार वालों को इसकी सूचना दी। सरस्वती पूजा के चंदा के लिए निकला था, रात तक लौट करके आ जाता था, नहीं लौटा तो आदमी खोज इसका पिताजी खोजने गए, इधर उधर कुछ जानकारी नहीं मिला, फिर आदमी सो गया। सवेरे जानकारी हुआ कि ऐसे ऐसे आ गए पड़ा हुआ नहर पुल के, तो लेकर के आया सर। क्या किसी से विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं, कोई लड़की का भी चक्कर नहीं, कोई किसी से विवाद नहीं। दाऊदनगर थाना से सूचना हुआ कि आपके इलाका में किसी का गोली मारा हुआ है। अच्छा। हम चले अपने इलाका में तो आए नहर के पास, देखे कि इसको पड़ा हुआ शव था, फिर बड़ा हुआ पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजे। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिला के झगरा खंड थाना अंतर्गत 22 दिसंबर को प्रार्थी पीताम्बर सिंह के द्वारा थाना में आकर सूचना दी गई कि मृतक प्रताप सिंह उर्फ बाबू टेलर की मौत हो गई है। मृतक का पीएम कराया गया, उक्त रिपोर्ट पर डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु गला घोटकर हत्या करना बताया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मर्ग की जांच के दौरान मृतक की मौत संदिग्ध प्रतीत होने से कोरिया एसपी के निर्देश पर टीम गठित कर मामले की विवेचना के दौरान मृतक की पत्नी के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की जाने की बात बताई, जो आत्महत्या न होकर हत्या होना पाए जाने पर एवं मृतक की पत्नी द्वारा दिए गए बयान विरोधाभास प्रतीत होने पर पत्नी पारो एवं अन्य गवाहों से पूछताछ किया गया, जिसमें मृतक द्वारा पत्नी पारो पर चरित्र शंका एवं मृतक के द्वारा अत्यधिक नशा करना, काम धाम न किए जाने के कारण आए दिन लड़ाई झगड़ा होने की बात बताई, जिस कारण से दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद मृतक कासिम के घर सोते वक्त मृतक की पत्नी पारो के द्वारा रस्सी से गला दबाकर हत्या करना स्वीकार की, जिस पर पारो को गिरफ्तार किया गया। घटना 22 दिसंबर 2017 शाम 6 बजे की है। सूचना मिलने पर मर कायम कर जांच लिया गया था। पीएम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने गला घोटकर हत्या स्ट्रैंगुलेशन बताया, उस आधार पर अपराध कायम कर धारा 302 के तहत पेश की जा रही थी। पूछताछ में मृतक का पत्नी पारो द्वारा हत्या करना स्वीकार किया है। लगातार मृतक द्वारा उसकी पत्नी को परेशान किया जा रहा था, उसके चरित्र में शंका को लेकर लड़ाई झगड़ा होती रहती थी। और घटना दिनांक को शराब पीकर जब मृतक काशिम, जो घटना स्थल है काशिम का घर, वहां सोया हुआ था, उसी समय रस्सी से गला घोटकर हत्या करना स्वीकार की। बिहार के बक्सर में अपहरण कर पिटाई किए गए युवक के 4 महीने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक इटाढ़ी थाना क्षेत्र के उनवास गांव का निवासी था, जो शहर के बुद्धनपुरवा इलाके में किराए के मकान में रहता था। जमीनी विवाद में युवक की हत्या करने की बात उसके पिता कह रहे हैं। प्रशासन से उन्होंने न्याय मिलने की गुहार लगाई है। जमीनी विवाद में हत्या हुई है और हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इस पर आवश्यक कार्रवाई शीघ्र किया जाए, ताकि वैसे हत्यारों को छोड़ा नहीं जाए। और कितने बच्चे थे आप? हमारे 5 बच्चे हैं 4 बच्चियां हैं, एक यही बच्चा है, घर का इलाज तो बुझी है। बिहार के मझौलिया में शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के मोबाइल व कंप्यूटर की चोरी कर ली। थाना क्षेत्र के लाल सरैया चौक स्थित पटेल मोबाइल केयर में बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर एक लैपटॉप, कंप्यूटर, 2 वीडियोग्राफी मशीन, हार्ड डिस्क प्रिंटर की चोरी कर ली। दुकान के मालिक अरविंद पटेल सुबह जब दुकान पर पहुंचे तो पाया कि शटर को तोड़ दिया गया है। जब शटर उठाया तो देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है। इसकी सूचना मझौलिया पुलिस को दी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के सरकारी अस्पतालों में खसरा टीका की सप्लाई नहीं हो रही है। जिले में प्रति माह 5,000 टीके का लक्ष्य है, परंतु इस बार केवल 2,000 वैक्सीन ही जिले में पहुंची है। पर्याप्त वैक्सीन नहीं होने से 60% बच्चों को खसरे का टीका नहीं लग पाएगा, वह भी उस समय जब स्वास्थ्य विभाग शिशु संरक्षण माह मना रहा है।
पिछले 3 माह में जिले के पामगढ़ क्षेत्र में ही गलघोटू बीमारी से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे समय में स्वास्थ्य विभाग के पास बच्चों को टीकाकरण में लगने वाली खसरे की वैक्सीन ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि टीकाकरण के नाम पर केंद्र राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सही मॉनिटरिंग नहीं होने से टीका का लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रही है। इसका तो मतलब जो है, हमने तो जो टोटल देखिए, हम क्या है कि पूरा जो वर्कआउट करते हैं पूरा यहाँ से, हम तो पूरी लाइन लिस्टिंग तो हमारे इसमें रहती है, ब्लॉक में रहती है, और बाकी जो डाटास जो रहते हैं हम डाटास को भेजते हैं वहाँ कहाँ पर स्टेट्स को, तो डाटा के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट करके भेज देते हैं, है कि नहीं। तो उसमें थोड़ा सा ये गैप हो गया है कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन में हमको जैसे एक एक वायल, कम से कम एक एक वायल तो देना चाहिए हमको सब सेंटर में, सब हेल्थ सेंटर में। तो उसमें क्या हुआ कि ये जहाँ पर मैक्सिमम बच्चे थे वहाँ पर क्या है, जहाँ पर एक दो दो तो बच्चे छूट रहे थे तो वहाँ नहीं पहुँचा पाए हैं, तो हम उसकी वो ड्यू लिस्ट बना करके हम मंगलवार को कर लेंगे उसको। पंजाब के तरन तारण में 2 सप्ताह पहले नौरंगाबाद स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में दिन दहाड़े नकाबधारी हथियारबंद डकैतों द्वारा 7,25,000 लूटने की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के मुख्य सरगना जोबनजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस इस गिरोह के 2 सदस्य को 1 सप्ताह पहले गिरफ्तार कर चुकी है। जोबन से बैंक लूट की 1,05,000 की राशि, एक बंदूक, लूट के दौरान इस्तेमाल पल्सर बाइक भी बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में एसपी इन्वेस्टिगेशन ने प्रेस वार्ता की। कुछ दिन पहला पिंड कोरक दे विच एक बैंक डकैती हुई सी, ते दूजी नरंगाबाद दे विच हुई सी। उदे विच असीं एसएम मानजोग एसएसपी साहब ने एक स्पेशल टीम गठित कीती सी, जिहदे विच मैं ते नाल मेरे डीएसपी गोइंदवाल, डीएसपी अश्विनी कुमार, डीएसपी डी ते डीएसपी सिटी ते एसएचओ सदर दी टीम तैयार हुई सी, जिन्हां ने दिन रात सख्त मेहनत करके 4 दोषी नामजद किए ते 2 दोषियों नूं मौके ते गिरफ्तार कर लिया, जिहदे विच असीं हुण जिहड़ा आ कल एक दोषी नूं गिरफ्तार किया, जोगनजीत सिंह, इह हैगा पिंड हवेलियां दे रहिण वाला, 1,00,000 रुपए नकदी ते एक राइफल 12 बोर बरामद कीती है, जो दोनों बैंक डकैतियों दे विच वरती गई सी। महाराष्ट्र विदर्भ के चंद्रपुर जिले के भद्रावती तहसील में भारी बहुजन महासंघ की ओर से भव्य स्त्री मुक्ति परिषद का आयोजन किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज ही के दिन 1927 को मनुस्मृति का दहन कर देश भर की महिलाओं को उनका हक दिलाया था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 25 दिसंबर को जगह जगह स्त्री मुक्ति परिषद का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में भारी बहुजन महासंघ की ओर से स्मिता ताई पानसरे, राधिका वेमुला, डॉक्टर गजाला खान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। आयोजन में बताया गया कि स्त्रियों पर हो रहे घरेलू हिंसा, स्त्री भ्रूण हत्या तथा महिलाओं पर हो रहे दुष्कर्म के चलते 21वीं सदी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लिहाजा स्त्रियों में जन जागृति लाना भी आयोजन का मुख्य मकसद था। मनुस्मृति के टाइम में जो महिला के ऊपर महिला एक पुरुष के वापर करने की चीज का करके यूज किया जाता था, महिलाओं को जुए के दाव में हराया जाता था, उस चीज को बाबा साहब ने 25 नवंबर 1927 में मनुस्मृति के तहत जो ये चीज होती थी वो मनुस्मृति के पन्ने जलाकर बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन करते हुए संविधान के थ्रू महिलाओं को जीने का, जो पुरुषों के बराबर जीने का हक दिया है, उस वजह से आज का दिन हम हर्षोल्लास के साथ मना के उस चीज को हम भूले ना, वो याद रहना चाहिए, उस वजह से आज का दिन हम मना रहे हैं। हमारे इसमें पुरोगामी विचारधाराओं के जैसे स्मिता ताई पानसरे, वैशाली ताई डोळस, रोहित वेमुला जी है उनकी मम्मी, इन सब लोगों को बुला के हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि स्त्री जाति किसी के बंधन नहीं है, स्त्री आज पूरी तरह स्वतंत्र है, इस वजह से आज का प्रोग्राम लिया जा रहा है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INN24 के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।